जी असल होप आप सब ठीक होंगे मेरा नाम है शाहरुख खान और मैं आप लोगों का यू आई डिजाइनर तो आज की जो हमारी वीडियो है इसमें मैंने आपको बताना है कि जो जो हमारा थर्ड पार्ट है ऑफ मटेरियल डिज़ाइन उसके बारे में आपको बताना है कि वो क्या है और हमने उसको डिजाइन कैसे करना है सो दैट इज अबाउट बैकड्रॉप की बैकड्रॉप आपने कैसे डिजाइन करना है और ये हम डिजाइन कैसे करते हैं इन मोबाइल ऐप अकॉर्डिंग टू मटीरियल डिजाइन तो उसके बारे में मैंने आपको बताना है लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जाके सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको डेली अपडेट्स मिलते रहे हमारी वीडियोज के बारे में तो चलते हैं वीडियो की तरफ तो हम क्या करेंगे यहाँ पे मैं ओपन कर लेता हूँ बैकड्रॉप सो बैकड्रॉप आपका कुछ इस तरह से होगा ये इस तरह से नजर आएगा इसमें दो लेयर्स होते हैं इसमें दो लेयर्स यूज होते हैं एक आपका होता है कि आप फ्रंट लेयर पे डाटा शो करते हैं एंड जो बैक लेयर होता है उस पर आप कॉन्टेंट को जो एक्शनेबल कॉन्टेंट होता है कॉन्टेक्चुअल कॉन्टेंट होता है वो आप यूज करते हो तो उसके मुताबिक आपका डाटा जो फ्रंट लेयर है उस पर शो होता है सो so, यही बताना था बाकी जो हमारा सारा काम है वो इस जगह पे है कि हमने कैसे इसको डिजाइन करना है एंड कैसे यहाँ पे डाटा शो करना है सो so, आपका जो बैक लेयर है बैक लेयर पे मैंने कहा कि हमारा एक्शनेबल एंड कॉन्टेक्चुअल जो इन्फॉर्मेशन होती है वो हम शो करते हैं अब वो कैसे करते हैं मैं यहाँ से एक फ्रेम सिलेक्ट करूंगा मोबाइल ऐप का सो so, मैंने यहाँ से एक सिलेक्ट किया और यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करता हूँ कि जो मेरे पास टॉप एफ बार है टॉप एप बार यहाँ पे हमारे पास पहले से बना हुआ है जो हमारी पहली क्लास थी लाइक like, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूं। Copy and यहां में मैं आके पेस्ट कर देता हूँ ये हमारा लेट से कि ये हमारा हो गया टॉप एफ बार एंड जो बॉडी है यहाँ पे मेरे पास क्या होगा यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कुछ इस तरह का इन्फॉर्मेशन है स्क्रीन का जो बैक कलर है वो भी मैंने ये, यही ये रख देता हूँ so मेरे पास टॉप टॉपे बार आ गया अब यहाँ पे जो बॉडी का सेक्शन है उसमें मैंने कुछ इंफॉर्मेशन शो करनी है लाइक दिस कि मेरे पास कुछ डाटा है लाइक like, uh, डाटा एक हो गया आपका लैपटॉप कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें मैं यहाँ पे लगा देता हूँ सो so यहाँ पे आपका हो जाएगा कैमरा लेकिन ये इसको मैंने सबसे पहले लेफ्ट से अलाइन करना है लेफ्ट से हमने से अलाइन कर दिया। टेक्स का साइज़ भी करना है एंड जो मीडियम है इसको आपने रेगुलर पे रख दिया एंड उसके बाद आपका जो तीसरा है लेफ्ट से ये है आपका लैपटॉप कैमरा एंड टीवी तो टेलीविजन तो so, ये मेरा कुछ कंटेंट है कॉन्टेक्चुअल कंटेंट इसको मैं लेफ्ट से अलाइन भी कर देता हूँ और यहाँ पे मुझे अब इसके कुछ आयकन चाहिए होंगे सो so, यहाँ पे मेरे पास लैपटॉप कैमरा एंड टीवी वी सो इसके मुताबिक मैंने अब यहाँ पे आइकन यूज करने हैं तो मेरे पास ये आइकन है एक और इस आइकन का साइज हमने रखा था ट्वेंटी फोर बाय ट्वेंटी फोर सो इसका भी ट्वेंटी फोर बाय ट्वेंटी फोर है लेकिन इसको वाइट कलर देना है तो so, मैंने वाइट रखा एंड इसको मैं अलाइन करूंगा अकॉर्डिंग टू दिस आइकन और ये आपका इसके मुताबिक होगा तो so, फिर सेकेंड वन है कि कैमरा एंड लैपटॉप एंड टीवी सो ये आपका टीवी यहां पे आ जाएगा लैपटॉप आपका यहाँ पे आ जाएगा एंड कैमरा आपका नीचे सेंटर में सो so, ये आपका कुछ डाटा इस तरह से शो होगा ये हमने अलाइन करना है इस तरह से

हाँ इसको मैं क्लिक करता हूँ तो क्लिक इसका जो एक्शन होगा वो कुछ इस तरह से होगा कि मैं इसके ऊपर इस तरह का एक कंटेनर बना दूंगा जिसके साइज होगा 48 जो हाइट होगी उसकी 48 होगी एंड यही कलर मैंने देना है लेकिन थोड़ा सा मैंने इसको चेंज करना है इस तरह से कि ये सिलेक्ट select, सिलेक्शन इसकी शो हो और इसको मैं बैक पे ले जाऊंगा इस पर राइट क्लिक करके यहाँ पे ब्रिंग टू सेंड टू बैक सेंड टू बैक एंड इस तरह से मैंने बैक पे

सो so, ये मैंने कुछ इस तरह से शो कर दिया या फिर आप इसको इस तरह भी शो कर सकते हो सो so, जब मैंने लैपटॉप पे क्लिक किया तो मेरे पास इधर एक इसका सबसे पहले सब हेडर आएगा सो so, सब हेडर कुछ इस तरह से आएगा इसका साइज 18 वही होगा मीडियम एंड यहां से मैं ब्लैक कलर जो हमारा है वो चूज कर लूंगा और ये जो है एक सेकेंड ये मेरे पास ऑन टॉप आएगा ये आपका हो जाएगा सब हेडर तो सब हेडर जो हमारा होगा वो ये होगा कि हमने यहाँ पे लैपटॉप चूज किया था तो लैपटॉप यहाँ पे हमारे पास आ गया इसका सब हेडर एंड इसको अब मैं अलाइन करूंगा ऑन द लेफ्ट साइड जो हमारा अलाइन अलाइनमेंट है यहाँ से 16 है तो मैं इसको 16 अलाइन करूंगा फ्रॉम द लेफ्ट तो ये मेरे पास हेडर आ गया या फिर आप इसको सेंटर में भी ऐसे रख सकते हो तो ये आपकी मर्जी है कि आपने लेफ्ट पे रखना है या फिर सेंटर में रखना है तो उसके बाद आपने यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन लाइक शो करनी है कि लेफ्ट से मैं कुछ यहाँ पे इमेजे प्लेस कर देता हूँ कि यहाँ पे मेरे पास लैपटॉप की कुछ इमेजे पड़े हुए हैं तो मैं इसमें ऐसे इसको यहाँ से भी अलाइन किया 16 और से भी 16.

शो करे कि आप यहाँ पे जो है आपका कंटेंट सेपरेट हो चुका है सो so, यहाँ पे मैं एक लाइन रख देता हूँ लाइन इस तरह से होगा कि राइट right से एंड लेफ्ट से आपकी पैडिंग आएगी इसको ओपेसिटी इसकी कम कर दें ये आपका सेपरेटर आ गया सो so, यहाँ पे इसकी पैडिंग आप देख लें अपने यहाँ पे सिक्सटीन रखना है सो so, इसके बाद आपका ये जो डाटा है ये आपका कुछ इस तरह से आएगा सेपरेटर आप रखते हैं रख ले नहीं रखते ना रखें मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि अगर आप रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं सो so, ये आपका जो ये आपका स्क्रोलिंग कॉन्टेंट आ गया आप इसको स्क्रोल भी कर सकते हैं लेकिन स्क्रोलिंग में फिर आपका जो ये हेड होगा ये स्क्रोल नहीं होगा इसके अंदर जो ये आइटम्स प्रोडक्ट्स हैं वो स्क्रोल होंगी तो so, मैं यहाँ पे लैपटॉप सर्च कर लेता हूं और इस पे क्लिक करूंगा यहाँ पे मैंने कुछ इमेजेस पेस्ट करनी है यहाँ पे सो so, इस पे भी मैं यहाँ पे लैपटॉप पेस्ट कर दूंगा एंड यहाँ पे भी कुछ लैपटॉप हमने शो करानी है तो उसके मुताबिक हमने यहाँ पे इमेजेस रखनी होंगी ये ये वाला लैपटॉप है और ये, इसको रख लें इसको भी आप यहां पे रख सकते हैं या इसको रख कुछ अच्छी अच्छी इमेजेस हमने यहाँ पे सिलेक्शन इसकी करनी है तो so, ये हमारा हो गया नॉट दिस वन आप मैक रख सकते हैं या फिर ये रख सकते हैं चले इमेजेस हमारी ये हो गई है पेस्ट और यहाँ पे आपने जस्ट मैंने आपको ये बताना था कि बैकड्रॉप को आप यूज कैसे कर सकते हैं तो हमारा जो इनिशियल स्टेट है वो कुछ इस तरह से होगा कि आपके पास एक्शनेबल डाटा होगा एक कॉन्टेक्चुअल डाटा होगा जिसको आप जिसके अंदर आपका बहुत डाटा पड़ा हुआ है तो मैंने लैपटॉप पे क्लिक किया और मुझे लैपटॉप के बारे में थोड़ा और मैंने उसके प्रोडक्ट्स देखने की कि कितने प्रोडक्ट्स हैं आप इसको और वो मजीद इंप्रूव कर सकते हैं लाइव आप इसमें लिख सकते हैं कि इसमें कितने लैपटॉप्स हमारे पास अवेलेबल हैं तो आप लिख सकते हैं थर्टी फोर थर्टी फोर लैपटॉप अवेलेबल अवेलेबल फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया तो यहाँ पे आपका पता चलता है कि आपके पास कितने प्रोडक्ट्स हैं तो यहाँ पे ये यह हो गया एंड यहाँ पे आपकी आइटम की काउंटिंग हो गई कि कितने आपके पास अभी स्टॉक पे पड़ा हुआ है So, ये यह आपका यहाँ पे हो गया थर्टी फोर सो ये आपका लाइक uh, like, एक बैकड्रॉप uh, की इंफॉर्मेशन आपके पास आ गई कि आपने बैकड्रॉप कब यूज करना है किन स्टेट में आप यूज कर सकते हो और अगर आपने लाइक like, मैं अब uh, इसमें मेरी हेल्प क्या होगी यूजर की हेल्प होगी कि यूजर यहां से कहीं गुम नहीं रहा अगर यूजर वापस आना चाहता है तो वो क्या करेगा यूजर यहाँ से इस पे क्लिक करके बाहर स्क्रीन पे यहाँ पे बैक लेयर पे क्लिक करके ये आपका वापस इसी तरह से आ जाएगा लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं आपको प्रोटोटाइप भी करके दे देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए तो so, सबसे पहले अगर मैं क्लिक करूंगा मैं इस, इस बैकड्रॉप पे क्लिक करूंगा सो so, इस पे मैंने क्लिक किया लाइक like, प्रोटोटाइप पे गया मैंने इस पे क्लिक किया ये यह यहाँ पे स्क्रीन पे नेविगेट होगा एंड उसके बाद ये जो चीज है ये इसके बाद क्या होगा कि स्क्रीन से ये यह यहाँ पे नेविगेट होगा इसको मैं थोड़ा स्मार्ट एनिमेट कर देता हूँ लेकिन ये जो स्क्रीन है इससे जब ये एनिमेट हो गई इसको हम डिले पे कर देते हैं टाइम के साथ तो ये आपका कुछ इस तरह से होगा फिर जब मैं इस पे यहाँ पे क्लिक करूंगा बाहर कहीं तो फिर मैं वापस इसी स्टेट में आ जाऊंगा तो अब इसका प्रोटोटाइप प्ले करके देखते हैं कि कैसा होगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास स्क्रीन आ गई, अब मैं लैपटॉप पे क्लिक करता हूँ ये इसका इनिशियल स्टेट है, खुद बहुत टाइम के मुताबिक ही आ गया अब मैं बाहर बैक लेयर पे क्लिक करूंगा तो ये वापस अपनी स्टेट में आ गया ये कुछ आपके साथ इस तरह से इन्फॉर्मेशन आ जाएगी तो ये मैंने आपको बताना था कि आप बैक ड्रॉप कैसे यूज करेंगे आप उसको कैसे डिजाइन करेंगे और आ, किन स्टेट में आप उसको डिजाइन कर सकते हैं सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी नेक्स्ट uh, वीडियो में फिर मिलते हैं और आपने प्रैक्टिस जरूर करनी है और अपने जो बैक ड्रॉप का मटेरियल डिजाइन का जो कंटेंट है ये पढ़ना जरूर है सो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी सो so, मिलते हैं थैंक यू सो मच हैव अ गुड डे बाय